आज की क्लास में हम असाइनमेंट नंबर विजुअल बेसिक असाइनमेंट नंबर 26 है जो ये करने वाले हैं, और आप देखेंगे इसमें डू लूप का यूज़ करके हमको बनाना है। तो आपको पता है कि जो असाइनमेंट नंबर 24, 5 अगर बना चुके हैं तो सेम पैटर्न है, केवल लूप्स अलग अलग है। ये डू लूप में बना है और दूसरा जो है आपका वाइल लूप में बना है, ये फॉर लूप में बना है। तो इस तरीके का एक ही लूप में है। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि फॉर लूप को वाइल या डू वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास फॉर लूप वाला प्रोग्राम बना हुआ है ये वाला, तो आप उसको आसानी से डू वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पर 6 पैटर्न कुछ बने हुए हैं और उनको जब रन करते हैं तो ये सारे पैटर्न ऐसा दिखाई देते हैं, देखिए आ रहे हैं पैटर्न, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे पैटर्न फॉर लूप में बने हुए हैं। तो फॉर को वाइल और ये डू वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ये दो लूप हैं। यहाँ पर पहला लूप है जो अंदर है यहाँ पर, और दूसरा लूप बाहर है। पहला जो अंदर वाला लूप है वो रो के लिए है, दूसरा कॉलम के लिए है। चलिए पहला जो कॉलम वाला लूप है इसको डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और नोट पैड में ले जाते हैं ताकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो, दूसरे कोड को देख के कन्फ्यूजन होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आपको दिख रहा होगा या आई बटन पर जो वीडियो दिखेगा आपको, उसमें आपको पता चलेगा कि फॉर को डू वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा रूल होता है, 3-4 स्टेप होते हैं। हमको अंदर का बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ फॉर मिटा के लिखना है डू, नेक्स्ट मिटा के लिखना है लूप वाइल, ठीक है। और ये जो C इज इक्वल टू 1 है इसको ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पर जो C लेस देन इक्वल टू 5 है इसको हम यहाँ वाइल के साथ नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए C इज इक्वल टू C प्लस 1। फॉर लूप में स्टेप 1 जो था यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, नहीं, लेकिन डू वाइल में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये हमारा डू वाइल में कन्वर्ट हो गया, इसको कॉपी करते हैं और इससे रिप्लेस कर देते हैं। पहले यहाँ डिलीट किए और उसको पेस्ट कर दिए। अलाइनमेंट गड़बड़ सड़बड़ हो गया, मैं अभी बराबर करता हूँ अलाइनमेंट, आपको वो लूप यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये जो है हमारा फॉर लूप जो था वो ऐसा कन्वर्ट हो गया डू वाइल में, ठीक है। वैसे ही अब इस बाहरी वाले फॉर लूप को कन्वर्ट करते हैं, पूरा कॉपी करते हैं, देन इसको नोट पैड में ले जाते हैं, और ये अंदर का हिस्सा इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में चेंजेस करना है। तो फॉर मिटा के लिखेंगे डू, नेक्स्ट मिटा के लिखेंगे लूप वाइल, ये आर इक्वल टू 1 को ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर जो R लेस देन इक्वल टू 5 लिखते थे उसको भी ले जाएंगे नीचे, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। और स्टेप 1 के लिए यहाँ पर लिख देंगे R इक्वल टू R प्लस 1। सिर्फ ये 4 स्टेप है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये जो मैं फटाफट कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कैसे बारीकी से इसको चेंज किया गया। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और पूरा यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ। मैंने रिप्लेस कर दिया, अलाइनमेंट बिगड़ गई है, मैं अलाइनमेंट यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि ये इनर लूप है और ये आउटर लूप हमारा बन के रेडी है। मैक्सिमम लोग 98% लोग फॉर लूप तो बना रहते हैं, वाइल और डू वाइल काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म है, जो ट्रिक है, उसे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपका जो P1 था मैंने उसको कन्वर्ट किया और बिल्कुल वही सेम टू सेम आउटपुट आपको डू वाइल लूप से मिल रहा है। यहाँ कोड देख सकते हैं, ये डू वाइल लूप का कोड है और सेम पैटर्न मिल रहा है। तो कन्वर्ट करने का एक छोटी सी ट्रिक है, कोई भी फॉर लूप को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वाइल लूप में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप दो एग्जांपल को देख के उस ट्रिक को समझ जाते हैं जो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दिया हुआ है, तो आपको सारे लूप्स को कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैटर्न ऐसा बन रहा है। और क्वेश्चन नंबर पैटर्न नंबर 2 का जो कोड है वो ये है जो फॉर लूप में लिखा गया है। मैं डायरेक्ट यहीं पर अब रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं इस लूप को क्या करने वाला हूँ, डू वाइल में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है मुझे,
हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको यहाँ पर डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं, फॉर को मिटाते हैं, लिखते हैं डू। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चले, सिर्फ इस लाइन पे और इस लाइन पे चेंजेस करना है। नेक्स्ट मिटा के हम लिखेंगे लूप वाइल, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सी इज इक्वल टू वन को ऊपर ले जाना है। सी इज इक्वल टू वन को ऊपर ले गए, सी इज इक्वल टू वन को ऊपर ले गए, और यहाँ पर सी लेस देन इक्वल टू आर को यहाँ से हटा करके आपको यहाँ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे आर इक्वल टू आर प्लस वन, आपका जो ये लूप है कन्वर्ट हो चुका है, सॉरी ये भी इनर लूप को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये आपका इनर लूप कन्वर्ट हो गया डू वाइल में। सेम ऐसे ही ये वाले लूप को भी आपको करना है, फॉर मिटा के लिखेंगे डू। हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने r इक्वल टू वन को ऊपर ले आया, और r लेस देन इक्वल टू फाइव जो यहाँ पर था उसको हम ले जाएंगे नीचे यहाँ पर। और नेक्स्ट मिटा के हम लिखना था, हमको लिखना था लूप वाइल, और यहाँ पर हम ये लिख देंगे, क्लियर है। बस एक स्टेप रह गया है जहाँ पर हम यहाँ पर r इक्वल टू आर प्लस वन। तो हमने जो सेकेंड वाला पैटर्न था वो भी देखिए, सेम पैटर्न हमको मिलने वाला है। कुछ गड़बड़ हुई, इनफाइनाइट लूप में चला गया। इस तरीके से भी प्रॉब्लम आती है, लूप अगर आप गलत करेंगे तो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि डू वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल पैटर्न को करके दिखा देता हूँ, एक सिंगल वाला जो पैटर्न था मेरे पास उसको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि वो प्रोग्राम को हमने सेव नहीं किया और वो क्रैश हो गया, प्रोग्राम का पूरा डेटा डिलीट हो गया, इसीलिए एरर नहीं आना चाहिए। आपको पहले भी बताया गया था, यहाँ पर मैं P2 लिखता हूँ, और मैंने P2 में ये वाला जो कोड है वो कर रखा था पहले, जो पहले वाला कोड था नोट पैड में था, इसलिए ये सेव है। ये जो कोड था इसमें बस हमको क्या करना था, आर इक्वल टू जो 5 था इसको मिटा के आर लिखना था, बस इतना सा काम करना था हमको। ये हमारा पैटर्न बन जाएगा, देखो सेकेंड पैटर्न भी हमारा बन गया है डू वाइल में हमने बनाया है इसको। इस तरीके से आप पूरे पैटर्न्स को अगर फॉर में बन जाते हैं तो आपको पैटर्न का एक फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना है, खाली नंबर्स और ये प्लस माइनस ये सब चीज़ चेंज कर करके और फॉर को वाइल और डू वाइल में कन्वर्ट करके सारे पैटर्न्स को आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।